राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जौनपुर के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप भारतीय आजाद समाज पार्टी और नगर जिला अध्यक्ष शम्स तबरेज ने राबिया सैफी को में एक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान राबिया सैफी के हत्यारों को फांसी सजा, स्वजनों को करोड़ों का मुआवजा, परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई। मार्च में शामिल होने का कहना था कि उनकी ग्राम पंचायत में राबिया सैफी के नाम से सरकारी स्थल बनाया जाए। कैंडल मार्च के अम्बेडकर तिराहे से रोडवेज होते हुए जैसी चौराहे के पास भारी संख्या में लोग युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। नगर जिला अध्यक्ष शम्स तबरेज ने कहा कि अगर बेटियों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं तो जो चिंता का विषय है। इस मौके पर जिला प्रभारी अमरजीत गौतम भीम आर्मी, जिला अध्यक्ष रत्नेश कुमार भीम आर्मी, जिला अध्यक्ष भानु प्रताप भारतीय आजाद समाज पार्टी, नगर जिला अध्यक्ष शम्स तबरेज विधानसभा जाफराबाद, अध्यक्ष अजीत कुमार आजाद समाज पार्टी विधानसभा मड़ियाहूं, अध्यक्ष मनोज कुमार आजाद समाज पार्टी, नगर महासचिव आनंद कुमार आजाद समाज पार्टी आदि मौजूद थे। आइए देखें परवेज आलम की खास रिपोर्ट। मैं शम्स तबरेज, नगर अध्यक्ष भीम आर्मी जौनपुर, और आज हम लोगों ने जो है बहन राबिया सैफी के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए जो है हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। और ये कैंडल मार्च जो है अंबेडकर तिराहे से निकला और कचहरी होते हुए, रोडवेज होते हुए जैसी चौराहे पर जाकर ख़त्म हुआ। और लगभग 300-350-400 किलो आसपास में लोग अपना जो है इकट्ठा हुए थे वहाँ पर। अब दिल्ली सरकार से यही कहना है कि भाई अपना जो है ये बेटियों के ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं इनकी रोकथाम के लिए सरकार को ठोस से ठोस कदम उठाना चाहिए। और बहन राबिया सैफी के लिए जो है उनके गांव में उनके नाम का हॉस्पिटल खुलवाना चाहिए और करीब अपना जो है 1 करोड़ उनको मुआवजा दिलाना चाहिए और उनके हत्यारों को सख्त से सख्त सजा जो है दिलाई जाए। नहीं तो बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए सख्त से सख्त कोई कानून बनाना चाहिए। काफी ज्यादा दूर पे हैं आप, आपको आगे बढ़िए। पीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।